इससे पहले कभी हमें याद नहीं, अपने बचपन से लेकर हम यहीं रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से फ्लैश फ्लड ने कोई इसे क्षति पहुंचाई हो। पहले कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक मुझे चार पाँच साल हो गए इस सेक्शन में, उसके पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब सब कुछ ठीक था, इतना तो कभी नहीं हुआ। छोटे मोटे मलबे आते थे और हम हटा देते थे उसको। आपके लिए, इंडियन रेलवे के लिए ये ट्रैक कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नुकसान सारा कम सर, हमारी जितनी भी जुड़ाव है शिमला डिस्ट्रिक्ट से, मतलब शिमला में, हिमाचल में, इस एरिए में, सब इसी से बैड ट्रैक ही होता है हमारा। जितना सारे काम है मैक्सिमम बहुत लोग, मतलब सोचो कि आप जितने अभी टूरिस्ट वगैरह हैं, सब कुछ बंद है। अभी रोड भी आपका बंद है, अभी ट्रेन भी बंद हो गया सारा कुछ। इससे पहले कभी हमें याद नहीं, अपने बचपन से लेकर हम यहीं रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से फ्लैश फ्लड ने कोई इसे क्षति पहुंचाई हो। पर ये तो कुछ कुदरत की ऐसी बहुत बड़ी मार है जिसकी वजह से जो है इतना नुकसान यहाँ झेलने को मिला है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ऊपर एडवांस स्टडी के पास से जो स्लाइड आया है, अब ये क्लाउड बस था कि फ्लैश फ्लड किस तरह से था, ऊपर से लेकर जो पानी और पेड़ जो नीचे आए हैं, इन्होंने पूरा रेलवे ट्रैक और नीचे मंदिर का जो शिव मंदिर है वो सारा जो है तहस नहस कर दिया।